मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा। गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sunilist.com। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान, दृश्य, घटनाएं, कहानियां, संस्थाएं, कानून की कार्यप्रणाली सभी काल्पनिक है। इस कार्यक्रम के किसी किरदार की किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल एक संयोग है। चैनल किसी भी तरह की हिंसा का प्रोत्साहन नहीं करता और चैनल का मकसद किसी व्यक्ति, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। चैनल इस कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाओं की तथ्यात्मक सटीकता का कोई दावा नहीं करता। बहुत चर्बी चढ़ गई है का? काहे बुलाए हमारे गीतिया को? हमका ठेका ले रखा है दुनिया का। अरे इसी तरह फ्री में बिस्किट चॉकलेट बांटते रहे ना तो हमारा तो ये दुकनिया ही बिक जाएगा। बिकेगा तो तब ना जब तू बचेगा। तेरा एक दो कौड़ी का दुकान हम बंद ना करवा दिए ना तो हमारा नाम भी माया नहीं। ए माया, हमारी ये दादागिरी हमें यहाँ नहीं चलेगी। औरत जात है ना तो औरत जात बन के रह, अपने बच्चों को पाल पोस, अच्छी शिक्षा दे उन्हें। गुंडागर्दी काहे को सिखा रही है? इनको जनन में मजा आया ना तो आप माँ बन के भी दिखा। तुमसे ब्याह किया है क्या? नहीं ना, तुम्हारे बच्चों का बाप काहे को बन रहा है बे? उनका बाप तो गया बैकुंठ धाम, तो कभी भेज देगा? हमारी गीतिया को चॉकलेट दे, निकाल, नहीं तो गिरीश्वा तेरी धुनाई करके आज अपनी दबंगई का खाता खोलिए लेगा। चल निकाल। देख के रहे हो, उठा के बाहर फेंक दो। कभी देखा है आपने ऐसा विचित्र, आक्रामक और खतरनाक परिवार? अंडरवर्ल्ड के इतिहास में यह पहली फैमिली गैंग थी। माया सिन्हा, गिरीश सिन्हा और गीता सिन्हा, इनके नाम से जितनी शराफत टपकती थी इनके कांड उतने ही दिल दहला देने वाले थे। 14 साल के गिरीश के कारनामे चीख चीख कर बयां कर रहे थे कि उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद जुर्म बनता जा रहा था और वो अपराध का एक अजूबा। माया, गिरीश और
और गीता की तिकड़ी ने अपने शहर की हवाओं में आतंक का जहर फैला दिया था। पर माया की महत्वाकांक्षाओं के लिए वो शहर बड़ा तंग पड़ने लगा और उसने फैसला कर लिया मुंबई जाने का। माया के इस फैसले ने मुंबई की तकदीर में जोड़ दिया इस पहली गैंगस्टर फैमिली का नाम। बस बस भैया यहीं रोक। मुंबई पुलिस ने हमेशा एक से एक जाबाज अफसर देश को दिए हैं और इन्हीं में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार था एक नया जोशीला जुनूनी नौजवान अनिल बरवे। सर ये सोनू अदेकर एक खतरनाक गैंगस्टर, इसका बस चले तो परिंदों से पर मारने के भी पैसे ले ले। सैकड़ों एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स और गैंग सिर्फ तीन मेंबर्स का, इकबाल कुरेशी, अतुल नामदार और ये गिरीश, गिरीश सिन्हा, गैंग का सबसे इंटरेस्टिंग बंदा। क्या बे हैं, हनीमून पे जाना है कि नहीं? लगता है तेरे बाप को फिक्र ना है तेरे हनीमून की। अबे कुछ कर हैं? अरे तुम्हारे बाप को तो तुझसे भी ज्यादा चिंता है तेरे हनीमून की। ए शटर खोल बे। बेटा कर तैयारी तुम्हारे हनीमून की। मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। माल पूरा है, चले निकल। निकल रे पापा। अब ये कहानी अनिल बनाम गिरीश बनने को बेताब थी। सर आखिरकार महीनों की लगातार कोशिश के बाद मेरा ये प्लान कारगर होने वाला है। सोनू आदेकर ने रिसेंटली मेरे उसी बिजनेसमैन को फोन किया जिसे मैंने उसके लिए प्लान किया था। हमारा प्लान कामयाब हो गया सर, आडेकर ने हमें अपने गैंग में शामिल कर लिया। अब तुम्हें इन सब को चढ़ाना है, इस आदमी से फिरौती मांगने के। सर कल वो अपनी पूरी गैंग के साथ शहर के बाहर एक फार्म हाउस में आने वाला है, फिरौती के पैसे लेने के। हम वहीं उसे अरेस्ट करेंगे सर। से सोनू ने बिजनेस कम्युनिटी में आतंक मचा रखा है सर, कल हम इस कहानी का अंत कर देंगे। अबे गगन। हाँ भाई। अबे तूने तो कहा था कि वो अकेला होगा बे, इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो अंदर अकेला ही होगा भाई, ये सब तो वर्कर है। अरे भाई बहुत बड़ा खेल है भाई,
50 लाख का सवाल है भाई, सोच लो। बाद में अपने को पछताने को नहीं मांगता भाई। अरे भाड़ में गए 50 लाख रुपए। सोनू भाई, हमको ये पुलिस लोगन की कोई चाल लगती है। बकवास कर रहा क्या? ऐसे मानो सोनू भैया 3 साल से हम आपके साथ दंड फेल रहे हैं। अरे थोड़े दांव पे तो हम सीख गए हैं। ये खेती बाड़ी वाला इलाका है, या सरकार बिल्डिंग बनाने का आदेश नहीं देती तो फिर गैर कानूनी मकान में कोई विदेशी कैसे पैसा लगाएगा बताइए? उसका टॉप फ्लोर खाली थोड़ी है ये गगनिया के माफिक। बकवास कर रहा है भाई, इसकी बात मत सुनो। शांत रह, मुझे इसकी बात में सच्चाई लग रही है। अरे अभाई दिखाई दे कि सच्चाई का। माई माई करता है, जब गंदगी घर में लाता तो माई भूल जाता है। अरे कितनी बार बोला तेरे को ये कट्टा साफ रख, कभी नली फट गई, फायर नहीं हुआ तो क्या करेगा? अरे माई नलिया को छोड़, फिलहाल तो हमारा भाग ही फूट गया। क्या हुआ भैया? इतिया गैंग खत्म, सोनू भाई अब्दुल्ला पकड़ा गया और एक बाल स्पोर्ट डेथ। अब वो दरोगा अनिल वर्बे हमारे पीछे पड़ा है। एक इतिया माई सामान बात, हम तुरंत बिहार चलते हैं अपने घर। अरे हम कोई रेलवे प्लाट फार्म का मूसा है काकी, कोई हमें धमकाए और हम बिल में घुस जाएं? का ईदन देखने के लिए हम तुमको अपना छाती का दूध पिलाए? तो कहा चाहती हो तुम, मर जाए हम। उधर होगा का इंतजार करें कि आ भाई हमको ठोक दे, हमारा एनकाउंटर कर दे। अरे लटखोर बैल की तरह बात मत करें, तब एक और मारेंगे कान के नीचे। बहुत ही बढ़िया हुआ कि तुम्हारा पूरा गैंग मिट गया। अरे काली मैया तुमको रास्ता दिखाई है तरक्की का, बंबई पे राज करने का। माई ये डेबिट भारती बंद कर, अब काम का बात कर। सुन, तुम एक नया गैंग बनाओ जिसमें केवल 3 लोग होंगे, तुम, हम और एक गीतिया। इन अमीरन को बकरी की तरह दौड़ा दौड़ा कर इनसे माल दुहेंगे। ये देखो एक लिस्ट तैयार किए है जिसे हम फिरौती असूलेंगे, इसमें सबका जानकारी है। 37 डॉक्टर, 15 बिल्डर, 10 कपड़ा वाला, 13 बड़का बड़का दुकान वाला। हर हफ्ते 1 से भी पैसा उसूलेंगे ना तो महीनों भर का तो धंधा हो गया। सुन, अब समझाते हैं प्लान हम तुमको। बैठ देखो, अब से गीतिया इन सब लोगों के बारे में मालूमात हासिल करेगी। वो काका करते हैं, रोज कहाँ जाते हैं, उनका बाद हम कॉल करेंगे। तू गिरिशिया, तू अंडरग्राउंड रहना। अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई पैसा वसूली में नहीं दिया
तो तू आना, उसे ठोक के चले जाना। तैयार हो जाओ, हम ही बनेंगे बंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला फैमिली गैंग। सुना है आप विलायती मोटर खरीदे हैं, लाखों रुपया खर्च दिया मोटर पे और दान में एक पैसा भी नहीं दिए हैं। अब 5 लाख रुपया हमें दान में दे दीजिए, कल पैसा कचरे के डब्बे में रखा दीजिएगा। प्रणाम मोटवानी जी, सुना है आप कोई नया बंगला खरीदे हैं। लाती का है माई, उस हेठवा पैसा लेकर नहीं आया, शायद वो पैसा नहीं देगा। ए गिरिसिया। प्रणाम माई। तुमको आना पड़ेगा। अरे वक्त गया अब चर्बी घटाने का। कौन कर रहा है ये सर? सोनू आदिकर जेल में है, उसका तो गैंग में खत्म हो चुका है, कौन है ये सब? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये काम गिरीश का। तुम्हारे कहने का मतलब है गिरीश ने अपना नया गैंग शुरू किया? ये खुलेआम जो खून हुआ ना सर, ये उन्हें चेतावनी है जिनसे ये लोग पैसे लूटते हैं। अब देखिएगा सर, अब ये लोग पैसे देने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाएंगे। सर इससे पहले कि पानी नाक से ऊपर चला जाए, मुझे इस गैंग को रोकना ही होगा। फाइनली तुम वर्दीधारी बनी गए। हाँ ऋतु जोशी, बिल्कुल सही पहचाना। वैसे हमें भूल पाना इतना आसान नहीं है। हुँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तहकीकात। तुम्हारी क्यों कोई प्रॉब्लम है? हेलो, ऐसे घूर क्या रहे हो? न्यूज एशिया टाइम्स की क्राइम रिपोर्टर को घूरने का अंजाम जानते हो? गिरफ्तार करवा सकती हूँ लाइफ लॉन्ग। सर ये ऋतु जोशी है, कॉलेज में मेरी बैचमेट थी। हाय सर, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। द प्लेजर इज ऑल माइन। एक्सक्यूज मी सर, क्या जानना चाहती हो उस केस के बारे में? अब तुम मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बात तो करोगे नहीं, तो कम से कम इसी बारे में बात कर लो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? लड़की पटानी है? हाँ मजाक में। अब सुनो, ये एक नए उभरते हुए गैंग का काम है, तुम्हें अपने अखबार के जरिए लोगों से अपील करनी है कि वो लोग पुलिस पे भरोसा करें, पुलिस स्टेशन आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करें। जब तक वो हमारे पास नहीं आएंगे, उनकी रक्षा कैसे करेंगे? तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना है कि वो लोग पुलिस के पास आएंगे तो वो सेफ है, सेफ रहेंगे। कर सकती हो काम? ठीक है, समझो तुम्हारा काम हो गया। आत्रे साहब प्लीज कुछ कीजिए। आप रिपोर्ट लिखा दीजिए, हम एक्शन जरूर लेंगे। ओके आओ अनिल, इनसे मिलो। ये है मिस्टर मोहन भंडारी। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, इनका केस बहुत यूनिक है। मैं न्यूज़पेपर में आप लोगों की अपील पढ़कर यहाँ आ जरूर गया हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ।
मतलब ये कि आप लोग मुझे प्रोटेक्शन दे तो पाएंगे ना? देखिए वो लोग बहुत खतरनाक हैं। देखिए डरिए मत, आपका यहाँ आने का फैसला बिल्कुल सही है। बताइए क्या हुआ, किसने फोन किया था? एक औरत ने मुझे फोन किया था। हम कौन बोल रहे हैं? तुम्हारी अम्मा। औरत ने? औरतों को कब से इस काम में दिलचस्पी होने लगी? और उसने मुझे साफ साफ बोला कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो भी मेरा वही हाल करेंगे जो उन्होंने उस हीरा व्यापारी का किया था पार्क में। मिस्टर भंडारी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी सिक्योरिटी अब हमारी जिम्मेदारी है। बागबारे अपने साथ एक और कांस्टेबल को लो और 24 घंटे साहब के साथ रहो, इन्हें आज भी नहीं आनी चाहिए। ये भंडारी का बच्चा ना बात नहीं माना, अब पुलिस में जाकर रपट लिखा दिया। देख हम अभी नहीं आ सकते, वो कुत्ता अनिल वो हमारी ताक में बैठा है, ये केस तुम दोनों को ही संभालना होगा। चिंता मत करो भैया, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा भैया वो अनिल वा है ना दरोगा, हम उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। आजकल बहुत है मिल रहा है वो रिपोर्टर से, वो रितु जोशी से। हाँ हाँ उसी से। अच्छे से नजर रखना उस चित खोपड़ी पर, कुछ उल्टा सीधा लिख के हमको और ना फंसा दे। और हाँ भंडारिया का अच्छे से आदर सत्कार करना। सब ठीक चल रहा है? जी सर, बस आप ही का इंतजार था। सर मिस्टर भंडारी के साथ धोखा हुआ है, उनकी मौत के बाद हम पे कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई सामने नहीं आएगा। रिलैक्स अनिल। अच्छा सुनो, यहाँ के लोगों से ये पता चला है कि वो गीता और माया ही थे जिन्होंने मिस्टर भंडारी पर गोली चलाई। ओह, खुद तो अंडरग्राउंड होकर बैठा है और अपनी फैमिली से खून करवा रहा है। तुम एक काम करो, हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। लिसन, सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट करवा दो, रेलवे स्टेशन बस स्टॉप हर जगह अपने आदमी लगवा दो, इनके अब तक के जितने ठिकाने हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग करवाओ, और कुछ भी डाउट हो लगे तो मुझे इन्फॉर्म करो। ऑलराइट। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती? ये तो तुमने ऑलरेडी उनके बारे में छाप के हमारी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डालना चाहता। अनिल हम पीछे नहीं हट सकते। ये तो मैं इनके छुपने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगा, उनके स्केचेस बनवाकर हर चौराहे हर सड़क पर लगवाऊंगा, फिर देखता हूँ कहाँ जाते हैं लोग। पुलिस अफसर अनिल बर्वे और गिरीश की फैमिली के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। अनिल हर बार उन्हें पकड़ने की कोशिश करता और हर बार वे बच निकलते, लेकिन अब इतना तो तय था कि अनिल ने उनका जीना मुहाल कर दिया था। अनिल के इशारों पे
रीतु अखबारों में रोज उनके खिलाफ कुछ ना कुछ छापने लगी थी। शहर भर में उनकी वांटेड वाली पोस्टरें लगने लगी थी। अब मुंबई में उनके लिए रह पाना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा था। गिरिसिया, ध्यान से सुन, अभी दूर रह यहाँ से। पुलिसिया को हम सबका फोटो हाथ लग गए हैं कहीं से, हर पहरा लगाए हैं, पोस्टर सब भी चिपकाए हैं। गीता और हमारा भी साथ निकलना ठीक नहीं, इसीलिए हम दोनों अलग अलग हो रहे हैं। कुछ समय बाद वही जगह पर मिलेंगे, ठीक है? इन तीनों में से आपने किसी को देखा है? माजी, माजी, आपने इन्हें देखा है कहीं? मदद करते हैं। सुनो, तुम्हारा धागा खुला है। में आ गए हम। आय हाय, कितनी गंदगी है। काम आई, दो ही मिनट भी आराम नहीं करने देती। एक तो बड़ी मुश्किल से उस नाकाबंदी से बच बचा कर आए, ऊपर से तुम्हें सफाई की पड़ी। वो दरोगा हमारे पीछे पड़ा हुआ। काहे मारे हम तुमको? बोलना, हम तुमको काहे मारे कि हमरे को तुम्हारी आवाज में डर सुनाई दिया? डरता है कातूस अनिल दरोगबाज से? हम उसे डरते हैं नहीं, बाद में। पर ये बात कान खोल के सुन लो कि अब हम बड़े हो गए हैं। ये बात बात पे हमें तमाचा मारना बंद करो, वरना क्या कर लेगा तू? बस भी करो, पहले ये बुढ़े वाला विग उतारो। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कल ही तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। चुप कर भाई की चमची, मुंह चलाने के बजाय जरा हाथ चला। इतना गंदगी फैला है इधर, सफाई वफाई करो, बहुत काम पड़ा है। ये लो, शुरू हो जाओ। वो डस्टर वस्टर दो भाई, कपड़ा वपड़ा दो, गट्टे साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, गंदा मत करो। ऐसा लगता है हम घर में नहीं कोई जेल में, और इन जेलों रानी। ए माई, गीता नहीं। माई, क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? उड़ाए दे भेजा। भाई क्या बात है? हाँ, का है जो तुझे परेशान किया जा रहा है? का ही चिड़चिड़ा रही है इतना? जोशी हमारे खिलाफ रोज एक लेख लिख रहे हैं, अब तो हमारी फोटो भी छापती है।
ये रितुवा के वजह से व्यापारी डॉक्टर बिल्डर कोई हमारे पास ना क्यों अनिलवा के पास जा रहा है अरे नाम तो खराब कर ही रही है धंधा चौपट हो रहा है हमारा और भैया वो लड़की है ना रितुवा उसका अनिलवा के साथ चक्कर चल रहा है अरे वाह हम तो कब से वो दरोगा के खिलाफ कोई दुखती रख ढूंढ रहे थे क्या खबर है कुछ पता चला साहब उसी चौल के आसपास मैं आई सप्लाई करने के बहाने जाता हूँ पर आदमी दिखता ही नहीं है मोहन भंडारी के मर्डर के बाद उसके फैमिली का भी आता पता नहीं साहब और एक बात साहब कल रात को मैं एक बार में आइस देने के लिए गया था वहाँ पे किसी आदमी ने रितु जोशी का नाम दिया हेलो हेलो रितु कहाँ है वो बस अभी अभी निकली है उसे रोको उसकी जान को खतरा है क्या हेलो हेलो यहाँ देख तुम जानते हैं हम कौन हैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ लिखने की कैसे हुई अपना बड़का बड़का कुर्सी पे बैठकर हम पे उसूल झाड़ती हो तुमने देखा कहा है जिंदगी का तुमको क्या लगता है हम यहाँ तक अपने शौक मौज के लिए आए हैं तुम क्या जानती हो का दुख नहीं देखा हम सब अरे इंसान के पास जब कोनो रास्ता नहीं बचता है ना जीवन में तो हथियार नहीं उठाएगा तो कब भजन गाएगा देखो अपने गुनाहों की वकालत करके शहीद बनने की कोशिश मत कर ए! जब साली अब एक सब भी बोली ना तो ये घोड़ा दर जाएगा समझे तुम अब भी वक्त है तुम्हारे पास तुम तीनों अनिल के सामने सरेंडर कर दो और तेरी चाहती हो ना अनिल बा को अब देखते हैं कि तुम्हारी लाश पे कितने आंसू बहाता है वो मेरी मौत से अनिल टूटेगा नहीं उसके इरादे और मजबूत हो जाएंगे अरे खड़े करो इसको हाथ खोल दो अब बताओ पांचों बंदूक में से कौन सा बंदूक से मरना चाहती हो तुम और कोई आखिरी ख्वाहिश है वो भी बता दो पूरी कर देंगे पूरी करोगी कर देंगे मरने से पहले मैं तुम तीनों को अपनी गुनाहों की सजा काटते हुए देखना चाहती हूँ अरे पहले तुझे तेरे गुनाहों की सजा तो दें अनिल बा पूरी फौज लेकर आ गए कटपटी पे बंदूक लगा ए, चल चल इसको। ए!
अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो ये लड़की की खोपड़ियां खोद देंगे, बताए देते। कोई भी फायर नहीं करेगा, जितना भागना है भाग लो गिरीश, लेकिन एक बात याद रखना, तुम पांच हो और हमारी पूरी पुलिस फोर्स। गिरीश गाड़ी में चला बताता रहेगा, तुम लोग सब लाइन में पीछे, लाइन में मत रहो, पीछे आ जाओ लौंडिया के। चलो 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 की फैमिली को पकड़ने के चक्कर में मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी। भैया लाओ। अरे अरे भैया, अरे डॉक्टर है कोई? कैंसर। एकदम संभाल के, अरे संभाल के भैया, उधर जख्म लगे हैं। गीतिया गीतिया बच्चे दे ध्यान गीतिया गीतिया। अपने परिवार का यही अंत चाहती थी तुम? तुमको जो करना है कर, हमका हमदर्दी दिखाने की कोशिश ना करो। मैं यहाँ आया तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को रोकने के लिए था, किसी का खून बहाने नहीं। अब सिर्फ यही बचा, देखता है कहाँ तक भाग पाएगा।
गिरीश, मैं जानता हूं कि तुम बस के ऊपर हो, सरेंडर कर दो। अभी भी वक्त है गिरीश, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अरे हमको पकड़ना इतना आसान है का दरोगा? हमको पकड़ने के लिए तुम्हें कई जन्म और लेने पड़ेंगे। ये ले अपने आप को बचा। मूव! इस एनकाउंटर के बाद अनिल ने रितु से शादी कर ली। अनिल को बहादुरी का पदक भी मिला। जहां तक गिरीश की मां माया का सवाल है, तो वो जेल में चक्की पीस रही थी और शायद अपनी जिंदगी की सबसे बुरी सजा काट रही थी। अपने दो दो बच्चों की लाशों का बोझ अपने दिल में लिए जाना माया जैसी मां के लिए भी आसान नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं, बोए पेड़ बबूल तो फल कहां से होए। बुराई का फल तो हमेशा बुराई ही होता है, तो कुछ करने से पहले सोचिए जरूर। इसी के साथ विदा चाहूंगा, धन्यवाद। मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।